आंदोलन का असर चुनाव पे पड़ेगा। चोपड़ा साफ नहीं कर दिया पंजाब में, आंदोलन होना चाहिए। वो ट्रैक या सड़क खाली हो जाएगी तो कृषि कानून के विरोध में किसानों का आंदोलन तेज हो रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देश भर में रेल रोको आंदोलन किया गया। रेलवे ट्रैक पर किसानों का कब्जा रहा, काफी ट्रेनों का संचालन प्रभावित भी हुआ। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। किसानों ने सरकार को चेताया है कि पंजाब नगर निकाय चुनाव के नतीजे आ गए हैं। दरअसल भाजपा का प्रदर्शन पंजाब के चुनाव में बेहतर नहीं रहा है, जिसे किसान आंदोलन का असर ही माना जा रहा है। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। गन्ना भुगतान की समस्या बनी हुई है और 3 साल से गन्ने का भाव भी नहीं बढ़ा है। आंदोलन तो हमारा आर पार का चलेगा। कनाडा लग रहे 3 महीने नहीं हो गए लड़ते लड़ते, और अब सरकार तो लड़के रहे। हम तो वो कहे जो काले कानून भेज रखे हो वापिस लो। लड़ने को तो सरकार को बहुत चीन है, पाकिस्तान है, उनके लड़ लो। किसानों के लड़के लड़ेंगे, हमारे पास कुछ हथियार है, हम तो अपनी आवाज उठाओगे। सरकार को कहेंगे हमारे नहीं करती, हम भी तो देख रहे हैं भाई। हम कौन सा पीछे हट रहे हैं भाई? आंदोलन का क्यों नहीं पड़ेगा सर? देख नहीं रहे हैं भाई? देख नहीं रहे चुनाव का सर? आंदोलन का सर चुनाव पे पड़ेगा। सोपड़ा साफ नहीं कर दिया पंजाब में हैं? और आगे भी देखियो भाई, जब तक भी हमारे में हिम्मत रहेगी आंदोलन चलाते रहेंगे। टिकैत साहब ने भी कह दिया भाई, खरसा भी आ लगी, फिर अगस्त सितंबर दिसंबर जनवरी भी आ लगी, कोई दिक्कत नहीं है। अरे आदमी हमारे हिसाब से चल रहे हैं, वहाँ से कहाँ रहे जा रहे? आंदोलन से कितना लंबा हो? इस सरकार को भी तो पड़ा, भी तो पड़ा किसानों का भी कहीं। पहली बार 6 साल हो 7 साल हो गए सरकार को, किसानों से तो पड़ा भी कहीं पड़ा। मोदी जी को तो पता चला कि ये तो वहीं कर रहे थे, कहीं पता चला था किसानों के हल्का तो पड़ा कुकर पड़क रहे। आनंद जी भी है, वो तो कह दो कुछ भी कह दो, तो मैदान फटा मैं करते। मैं कह रहा था प्रधानमंत्री नहीं हो तो हो जाएगा नू। आंदोलनकारी है, नेताजी भी आंदोलन जी भी था, महात्मा गांधी भी आंदोलन जी भी था। हैं? झूठ झूठ बोलकर देश को बहका लिया, इवन वही बकाई में हर के मीटिंग कर बुला लग रहे अपने घर पे। बैठ कर दिखाओ बाट देख रहे लोग, आ जाओ गामू में बाट देख रहे कद भेजे, आ जाओ भाई स्वागत है थारा, वही करेंगे स्वागत। तम नहीं देख रहे ठीक है? अरे तेल तो तम भी फूंकते होंगे। ये जो पिछले 3 महीने से लड़ाई चल रही, ये जो 3 कृषि कानून है, काले कानून है, और आज जो है संयुक्त किसान मोर्चा ने यहाँ पर जो है रेलों का अभियान 4 घंटे का 12 से 4 बजे तक करा, तो उस संदर्भ में हमने यहाँ पर ये टेंट लगा और रेल। तो क्या आगे की क्या रणनीति रहेगी अगर आपकी मांगे भी नहीं पूरी होती है? नहीं, आगे जो भी ऊपर का आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे और उसी पर चलेंगे। जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे तो हम आंदोलन रद्द नहीं करने के, बराबर चलता रहेगा, क्योंकि आंदोलन होना चाहिए। वो ट्रैक या सड़क खाली हो जाएगी तो संसद दोबारा हो जाएगी, तो हमने करा, हमारा फर्ज है। हमारे पास इन्विटेशन आता है सहारनपुर आ जाओ वहाँ ट्रेन चला, मगर नहीं, हम अपने जिले में करेंगे।